में संघ कार्यालय में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया। बरामद किया गया है ग्रेनेड करीब 35 साल पुराना था। ये भी बताया जा रहा है कि संघ कार्यालय के परिसर में समतलीकरण के लिए करीब 3 साल पहले ग्राम डीडी से मिट्टी लाई गई थी। वहां कभी फायरिंग रेंज हुआ करती थी। खेलने के दौरान बच्चों को ग्रेनेड मिला था जिसे मैदान में किनारे रखवा दिया गया था। बाद जो बीडीडीएस की टीम है उसको अपने साथ ले गई और उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करी। थोड़ा सा और गहन छानबीन करने पे पता चला कि जो परिसर है वहाँ पे समतलीकरण के लिए मिट्टी पड़ी थी अभी 2-3 साल पहले। तो ये मिट्टी जो हमारा डीडी क्षेत्र है वहाँ से आई थी। जो डीडी में है, जैसे आपको पता है, पुरानी पुलिस की और बटालियन की जो फायरिंग रेंज रही है वहाँ पे, तो संभवतः जो इसी में कोई पुराना रह गया होगा तो वो चीज़ शेल आ गया था। अभी यहाँ पे संघ कार्यालय के जो सामने जो परिसर है वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनको एक गेंद रूपी चीज़ दिखाई दी। तो एक आधे वो खेलते रहे तो क्योंकि मिट्टी में था, फिर उसको धोआ तो बाद में दिखा। उसके बाद जैसी हम लोग को सूचना मिली है तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बने होटल पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। होटल को 2 मंजिला बनाने की परमिशन थी लेकिन होटल मालिक ने उसे 3 मंजिला बना दिया था। नगर निगम ने होटल मालिक को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था लेकिन होटल मालिक की तरफ से जवाब नहीं देने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। अनूपपुर के जैथरी